NIOS के बहुत से स्टूडेंट्स का ये पूछना है, क्या सर NIOS में भी अदर बोर्ड की तरह यहाँ पर अगर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कुछ मार्क्स कम आ रहे हो तो क्या यहाँ पर ग्रेस मिलता है, और अगर ग्रेस मिलता है तो कम से कम कितने नंबर का ग्रेस दिया जाता है। आपको बता देता हूँ क्या आपको ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने नंबर का मिलेगा, और दूसरा आपका ये रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और मैं हूं NIOS एक्सपर्ट, और आपके लिए लेकर आता हूं NIOS की सारी ऑथेंटिक न्यूज। और सबसे पहले लेकर आते हैं और हमारा ये चैनल VCIC गुरुजी, जिसको आपने इतने कम समय में इतना लोकप्रिय बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई भी नया आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस तरीके की न्यूज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, क्या ग्रेस मिलता है NIOS में। तो जैसे आपने देखा है कि CBSE में या अदर बोर्ड्स में ग्रेस दिया जाता है, तो उस तरीके से NIOS बोर्ड में कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी ग्रेस नहीं दिया जाता है। जी हाँ, हमने बहुत बार ऐसी कॉपीज भी देखी हैं, ऐसे रिजल्ट भी देखे हैं जिसमें स्टूडेंट के 100 में से 32 मार्क्स आए हैं और उसे उस सब्जेक्ट में, केवल उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। यानी कि वो चार सब्जेक्ट में पास था और पांचवें सब्जेक्ट में सिर्फ 32 मार्क्स आ रहे थे, और एक मार्क्स अगर उसका आ जाता तो वो साल उसका बच जाता, लेकिन एक मार्क्स से भी हमने फेल होते हुए यहाँ पर स्टूडेंट देखे हैं। तो यानी कि ग्रेस मिलने के कोई चांसेस नहीं होता है कि किसी को ग्रेस देकर पास करें, किसी भी स्टूडेंट को पास नहीं किया जाता है। साथ ही साथ में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी ख्याल है, क्या इस बार की चेकिंग हार्ड होगी या जो है लिबरल होगी, किस तरीके की चेकिंग होगी, क्योंकि कोरोना का जो महामारी चल रहा था उसमें स्टूडेंट की पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई, तो क्या ऐसे सिचुएशन में कॉपीज चेकिंग में कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि चेकिंग का बहुत हार्ड होगा या लिबरल होगा। चेकिंग का जो एक पैटर्न है उसी पैटर्न से वो चेकिंग होगी। अगर आपने आंसर्स को अटेम्प्ट करा है तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपने आंसर्स को अटेम्प्ट नहीं करा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सीधा सीधा उन्हीं क्वेश्चंस में आपको मार्क्स मिलेंगे जिनका आपने सही तरीके से उत्तर दिया है, जिनका आपने सही तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किया है। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोरोना की वजह से कोई लिबरल चेकिंग यहाँ पे इस साल होने जा रही है। और साथ ही साथ बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, अभी जो है हमारा लगभग फैब का आधा मंथ चला गया और इस आधे मंथ में एग्जाम क्लोज हो गए हैं। अब जो है फैब के बाद ये कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू होंगी अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग जोनल में, जहाँ पे उनको जो है जोनल एरियाज बनाया जाएगा और कॉपीज को भेजा जाएगा। इतनी लाखों की तादाद में ये कॉपीज हैं, आंसर शीट है, जिसे कोई एक हफ्ते में भेजकर चेकिंग का प्रोसेस पूरा होना नामुमकिन है। तो ऐसी सिचुएशन में ये मान के चलिए कि ये फैब तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही छोड़ दीजिए कि कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उसके बाद कम से कम 15 दिन इन कॉपियों को चेकिंग में लगेगा जो टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी, और टीचर्स इन कॉपियों को अपने अपने जोनल एरियाज में चेक करके फिर उसका मार्क्स एलोकेशन करके वापस जब तक भेजेंगे तो उसमें लगभग एक महीने का टाइम लग सकता है। तो जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है, जिन बच्चों ने टेन और फैब 2021 में एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट या तो मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक या 10-12 तारीख तक सुनिश्चित हो सकता है। यानी कि आप ये मान के चलिए मार्च एंड में आने की तो वैसे कम संभावना है, लेकिन आ सकता है। और अगर मार्च एंड में नहीं आया तो फिर जो है ये आपका जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में या अप्रैल की 10-12 तारीख तक घोषित किया जा सकता है। तो उससे पहले तो रिजल्ट आने के कोई भी चांसेस नहीं है, और जब भी रिजल्ट आएगा उसके एक महीने बाद आपको मार्कशीट आपके स्टडी सेंटर से मिल जाएगी। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और ज़्यादा जो है प्यार दें, ताकि जो है मैं इस तरीके के वीडियो आप तक लेकर आता रहूं। जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।